बहुत अच्छा भाई, भोग मिलता है वहाँ पे। गलत फंस गया यार मैं जंगल पे आके, सही में इसको खाने से मर जाएंगे बोल रहे थे लोग। इसका मजा भी ले सकते हो भाई यहाँ पे, मैं जंगल में तो आ गया, फंस गया हूँ अभी। यहाँ पे दो बंदर है, यहाँ पे एक बंदर है पीछे। यहाँ से चलते इधर जागो टेम्पल का ये सीढ़ी दिख रहे ना, यहाँ से ऊपर जाना होगा। अभी चलते जागो टेम्पल, और एक बस के भी पार हो चुका है। तो टेम्पल का रास्ता ये वाला है, यहाँ पे चर्च है, यहाँ से रास्ता गया हुआ है, ये वाला सही है। और आगे से जो था वो मतलब सीढ़ियों वाला रास्ता था, वो काफी ऊंचा था, ये सही लग रहा है। आगे कैसा है भैया? बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है बता रहे भैया। चलो यार हार्ड में मजा है। कैसा लगा टेम्पल? मस्त। अरे मुन्ना ये गुस्सा हो गया बे। सही में यार ये तो काफी मतलब ऊंचा है। ये देखो इधर सीढ़ी का भी ऑप्शन है, इधर प्लेन रास्ता भी है गाड़ी चलने के लिए। मंदिर से आ रहे हो क्या? अच्छा यहीं के। अच्छा हाँ तो यहाँ पे हमारे भाई मिले इधर से ही है। आपको क्या यही रहते है ना? यही रहते हो। अच्छा बताओ यार इधर कुछ क्या बताए, क्या मंदिर कितना दूर है? मंदिर है भाई 950 मीटर। अच्छा यहाँ से अभी और 950 ऐसे ही है क्या पूरा? बिल्कुल तब तो बहुत टॉप पे होगा ना, पूरा व्यू दिखेगा होगा। टॉप वही है भैया, शिमला का टॉप वही है, फिर उससे ऊपर कुछ नहीं। अच्छा चलो ऊपर जाना, थैंक यू। चलो भाई ऊपर जा रहे हैं अभी, बहुत ऊंचाई पे शिमला का जो सबसे टॉप है ना जाखो टेम्पल वही है, वैसे काफी टॉप पे आ चुका अभी तो। और यहाँ पे दुकान है, इधर से चॉकलेट ले रहा हूँ, चॉकलेट खा के चढ़ाई करेंगे सही होगा। और भैया क्या हाल है? ठीक है ठीक है, मस्त है ना मौसम, ऐसे रहता होगा? हाँ काफी सही है। आप ऐसे हो क्या? हाँ ओके जी, तभी ये चॉकलेट ले रहा हूँ ये वाला, और इसको लेके चलते हैं अभी। ऊंचाई देखो यार काफी ऊंचाई सही में, ये देखो नीचे का और ऊंचा देखो, बहुत ज्यादा ऊंचा यार, सांस बहुत फूलने वाला है। सबसे टॉप है बता रहे थे लोग यहाँ के मंदिर। तो इधर भाई लोग जुड़ गए अपने साथ पंजाब से, भाई नाम बताओ अपना अपना। विशाल, जसवीत, मंजोत, मंजोत। चलो अभी चारों भाई के साथ चलते हैं। पंजाब में किधर से हो? मूसा पिंड मानसा। मानसा अभी चढ़ाई कैसा लग रहा छोटू? हाँ कैसा लग रहा है चढ़ाई? पंजाब वाला इंजन है इतनी दब, मस्त है ना? पंजाब वाली गड्डियां घट दबदियां होंदियां, लोड चक दियां है, चक दियां है। कुड़ी बहुत सुंदर है, कैसे बोलते हैं उधर पंजाबी से? कुड़ी बहुत सुंदर नहीं, कुड़ी बहुत कैंट है, कैंट है, कैंट बोलते हैं। हाँ कुड़ी तुझसे कैंट हो? हाँ अच्छा अभी जैसे बोलूँगा। तुझी भाई किधर? मैं भी इधर ही जा रहा हूँ। ये देखो भाई यहाँ पे बहुत सारे बंदर है, मस्त बाइक वाइक पे भाई मजे ले रहे हैं ये लोग। किधर? हाँ यहाँ पे देखो, ये मजे ले रहे हैं गाड़ी के ऊपर। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है हर जगह पे, मतलब बंदरों ने काट वाट लिया तो फोन कर सकते हैं आप। भाई इधर से आ रहे और मेन रोड तो भाई अभी शुरू हो रहा है। यहाँ देखो ये सीधा खड़ा चढ़ा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक इधर भी जा रहा है, और ये सीधी चढ़ाई है, आई थिंक वहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से शॉर्टकट पड़ेगा। ये देखो पूरा छांव हो गया अभी तो, इधर बारिश आएगा लग रहा है। अरे क्या सीन है यार, बहुत मस्त लग रहा है। चलो बारिश में कोई दिक्कत नहीं होगा, इधर छत लगा हुआ है। चलो साथियों कैसा लगा? बहुत अच्छा, मजा है। हाँ कुछ बोलना इधर भाई? भाई कुछ बोलने की हालत में नहीं है यार, हालत खराब हो गई। वापस जाने का बात कर रहा था, ये उड़ा के ले जाऊंगा इसको, तो छोड़ूंगा नहीं भाई। आप यहाँ पे आके देखना, हीरो लोग तो इधर है पंजाब का। चलो चलो और भागो मत यार, आराम से चलो, फिर थक जाओगे यार। अंजन बड़े हैं, एकदम मस्त व्यू है ना, कैसा लग रहा है व्यू बताओ यार तुम लोग? हाँ बहुत सुंदर। अरे सही में यार ये देखो जन्नत है भाई, ये तो पूरा साफ सुथरा भी काफी अच्छा है, मतलब सही में। ये देखो बोल, ये पहुंचने वाले भाई, आप आगे देखना मरने वाली हालत होगी, मरने वाली हालत होगी भाई। बस पहुंच गए एक
सामने ये पहुंच ही गए बस। क्या हो गया? थक गया यार। इतने भी थक गया यार, 400 पौड़ी चढ़ी है। चल यहाँ पे देखो भाई, पूरा फोग रखा है और फाइनली मंदिर पे पहुंच गया। इधर ही मंदिर है सामने। और इस जाखो टेंपल की बात करें, मतलब इसके हिस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पे मतलब बहुत ही मतलब मिस्ट्रियस चीज़ें हैं। यहाँ पे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरे को भी पता नहीं था। अभी मैंने देखा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। जब श्री राम जब युद्ध कर रहे थे रावण से, तो उस टाइम पे लक्ष्मण जी को तीर लग गया था ना, तो उस समय लक्ष्मण जी का इलाज एक जो पुजारी कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि हिमालय से, हनुमान जी को बोला था हम हिमालय से जाकर और संजीवनी बूटी लेकर आओ बोल के। तो हनुमान जी संजीवनी लेकर आए थे, और जब उसको वापस रखने के लिए जा रहे थे पहाड़ को, तो उस टाइम पे जाखों पे शिमला पे यहाँ पे उन्होंने मतलब रेस्ट लिया था। और लाइक पहाड़ का जो चट्टान है यहाँ पे, लाइक उस समय जो वो चट्टान लेके आ रहे थे उसको, मतलब ऊपर का जो पार्ट होता है ना वो सारा मतलब बिखर सा गया था, तो इधर भी गिरा हुआ है। और हनुमान जी के यहाँ पे मतलब पैरों का निशान वगैरह पाया गया था। तो इसी मतलब पहाड़ियों पे ही जाखो टेंपल बनाया गया हनुमान जी का। तो ये जो है जाखो टेंपल जो है हनुमान जी को समर्पित है, और मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार भाई, रियल में। और यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। और आप आते समय यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हाथों में टांग कर केला वेला फल वगैरह लेके मत आना, बंदर छीन लेंगे। और फ़ोन वगैरह भी संभाल के रखना, इसलिए मैं इधर उधर देख रहा हूँ कोई बंदर तो मेरे ऊपर एम नहीं कर रहा, क्योंकि इधर बहुत सारे बंदर है जंगलों पे। और भाई एकदम रियल नेचुरल व्यू है भाई, कसम से केदारनाथ से भी अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पे जाखो शिमला बहुत मस्त लग रहा है। बहुत ठंडा है अभी मौसम, अभी लगभग यहाँ पे 10 डिग्री के आसपास ही होगा टेम्परेचर। चिल्ड है एकदम, देखो फॉग ही फॉग रखा है, इधर नीचे भी पूरा फॉग रखा है। ये देखो भाई यहाँ पे बेरीज है बहुत सारी, ये सारा बेरीज देखो, लेकिन ये पॉइजनस वाला है, इसको खाने से मर जाएंगे बोल रहे थे लोग। और ये देखो ये ट्रैकिंग वाला रास्ता है काफ़ी पतला सा, तो यहाँ पे भाई पीछे बंदर, तो भाई यहाँ पे ठीक पीछे दो बंदर आए थे बड़े बड़े, तो मैं आगे साइड को आ गया भाई। बहुत डर लगता है बंदरों से, भरोसा नहीं है। बाप रे, देखो ये पूरा पहाड़ियों पे काफ़ी मस्त है यार ये ट्रैकिंग का रास्ता। थोड़ा आगे तक देखता हूँ क्या है इधर। यहाँ पे यहाँ से लोग भी आ रहे थे, इधर बस्ती वगैरह होगा आगे। और ये बहुत मस्त है यार। ये देखो भाई वीडियो बनाने जंगल में तो आ गया, फंस गया हूँ अभी। यहाँ पे दो बंदर है, यहाँ पे एक बंदर है, पीछे भी बंदर है, और वहाँ पे रास्ते में बैठे हुए यार, और बहुत डरावने हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। डर लग रहा है अभी मुझे, कैसे जाऊँ ये हाथों में। अबे पूरा मेरे ऊपर ही आ गए थे यार, चॉकलेट था मेरे पास, चॉकलेट दे दिया दोनों को एक एक। अरे भाई फटाफट निकल ले भाई यहाँ से, पूरा मेरे ऊपर चिल्लाने लग गए थे यार। इधर भी आ गया, इधर से भी एक बंदर आ रहा यार, पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। कहाँ गया? गलत फंस गया यार मैं जंगल पे आके, सही में वहां पे देखो तो सिर्फ बंदर ही बंदर यार, और किसी का डर नहीं है, बंदरों का बहुत डर है। चलो निकल गया बच के सही सलामत, चॉकलेट चला गया, मैं खरीदा था ना जो दुकान पे, दे दिया दोनों को। अभी आ गया ऊपर, और यहाँ पे कुछ ऐसा है दुकान वगैरह है, और इधर भी भाई एक रास्ता है, ये किधर को जा रहा है पता नहीं है। अभी चलते मंदिर दिखाते हैं आपको, यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाएगा देखने को, छोटा सा दुकान वगैरह दो तीन, बस यही है। इधर से अभी और ट्रैक करके जाना पड़ेगा शायद, कुछ ऐसा गेट है और फिर ऐसे मिलने लगे आपको। देखो यहाँ से भी ट्रैक करना है, लेकिन काफ़ी मस्त है, अब एक मस्त व्यू पॉइंट है, लेकिन व्यू नहीं दिख रहा अभी, फॉग हो रखा है। इधर अपने भाई लोग जाके भी आ गए, कैसा था? बहुत अच्छा था भाई, मैं तो फंस गया था यार बंदरों में।
उधर मेरे को पकड़ लिया था। हाँ चॉकलेट दे के भाग गया। तो कैसा रहा वो बता मंदिर? बहुत अच्छा भाई, भोग मिलता है वहाँ पे। हाँ प्रसाद। अच्छा अच्छा ओके। मिट्टी वाला। मैं तो सोचा बहू मिलता है, लड़की मिलेगी सब। ये देखो यार इधर काफी मस्त दिखता अगर ये फॉग नहीं होता ना, सही में है ना, ये बॉम्बे वाला सीन होता है। एकदम मस्त है। वहाँ देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहे नीचे, ये रोड है। हाँ ये रास्ता जहाँ से हम लोग आए थे ना। अभी चलते हैं अभी मंदिर की ओर। मूर्ति तो दिखा भाई। चलो फिर चलो। अच्छा यहाँ भी देखो भाई, ये मूर्ति है यहाँ पे, बहुत बड़ा है। फाइनली मेन जगह पे पहुंच गए, यहीं पे मंदिर। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा स्टेच्यू है हनुमान जी का, और यहाँ पे सामने पार्क वगैरह है बच्चों का। तो अभी आपको स्टेच्यू दिखाते हैं यार, बहुत बड़ा है। ये देखो भाई पैर के नाखून है हनुमान जी का। ये स्टेच्यू कितना बड़ा है यार, ये देखो। ये जो स्टेच्यू है ना हनुमान जी का, मेरे पीछे जो दिख रहा है 33 मीटर्स का है भाई, 108 फीट। देखो कितना बड़ा है। अभी मौसम साफ हो गया, काफी सही लग रहा है। 108 फीट का है और मीटर्स में देखा जाए तो 33 मीटर्स का है, और बहुत ही ऊंचाई पे सबसे शिमला का जो सबसे टॉप पीक है ना वो यही जगह है, और यहीं पे टेंपल है। ऊपर से देखो यार क्या सुंदर व्यू आ रहा है अभी, मतलब मौसम साफ हो गया है अभी, बॉक्स जितना भी था हट चुका है, और नीचे का भी व्यू काफी सुंदर लग रहा है। ये देखो सबसे टॉप पे अभी ये जगह जो है, और ये व्यू देखो यार, यहीं से देखो वहां पे। जा रहा हूँ मंदिर पे, यहाँ पे मंदिर कैसा है देखते हैं। इस साइड है मेन जो मंदिर है वो यहाँ पे, और इसके अंदर फोटो वगैरह प्रोहिबिटेड है, तो परमिशन नहीं इधर फोटो वगैरह लेने का। तो बाहर से देख लीजिए कुछ ऐसा है, बहुत ही सुंदर सा है। और इधर से भी रास्ते नीचे गए हुए, पता नहीं क्या। इस साइड काफ़ी फ्रेश है यार इलाका। और मंदिर के ठीक ऑपोजिट साइड में एक पार्क है, ये देखो काफ़ी सुंदर सा है पहाड़ियों के ऊपर। इस साइड पार्क है, और ये मंदिर का गेट, और यहाँ पे मंदिर, और वहाँ पे दिख रहा है 108 फीट का हनुमान जी का स्टेच्यू। सो यही है मंदिर, इसके अंदर वीडियो वगैरह नॉट अलाउड है, तो बाहर से देख लो बस इतना ही। सो मंदिर के अंदर जाके आ गया, और टीका विका लगा दिया, ये प्रसाद वगैरह दिया। और भाई वहाँ पे एक 1837 का फोटो देखा यार इस मंदिर का, यही मंदिर है, इसी मंदिर का 1837 का, मतलब छोटा सा था मंदिर लेकिन काफ़ी पुराना 1837 का फ़ोटो था यार, काफ़ी सारे बंदरों के साथ। बंदर यहाँ पे बहुत सारे, और पता नहीं बंदर यहाँ पे रहते, देखो बहुत सारे रहते। ये देखो यार इधर भी बंदर ही बंदर, बंदरों का ये। चलो सही, अभी चलते हैं इधर से वापस। अभी मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है, फोगी फोगी नहीं है अभी। अभी देखो व्यू यहाँ से, वो नीचे दिख रहा है पूरा का पूरा टाउन वगैरह। और देखो इस रास्ते से आए अभी हम लोग, ये जो दिख रहे हैं ना ऐसा चढ़ के ऐसा, फिर इधर से ट्रैक करना है थोड़ा आगे तक। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये देखो भाई मैं जाने ही वाला था, ये आ गया रोप वे का, और ये भाई दो साइड से आ गया। इसका मजा भी ले सकते हो भाई, यहाँ पे रोप वे का भी मजा ले सकते हो, और रिवर राफ्टिंग के अलावा मतलब बहुत कुछ है यहाँ पे। ये रोप वे काफ़ी ऊंचा सीधा ऊपर गया हुआ है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है देख के इन लोगों को। ये देखो
ये वो ऊपर से आ रहे और नीचे तक जा रहे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को मैं भी यहीं पे एंड करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, जय हिंद।